हमारे चैनल बढ़िया खाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पोहा। सामग्री: पोहा, प्याज, हरी मिर्च, करी पत्ते, हरा धनिया, नींबू का रस, मूंगफली, हींग, हल्दी, सेव, नमक। पोहा: 200 ग्राम पोहा हम दो पानी से एक छन्नी में लेकर धोएंगे। दो पानी से धोकर 10 मिनट रखने के बाद पोहा इस तरह नज़र आएगा। एक पैन हम गरम करेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल गरम होने के बाद गैस की फ्लेम हम हाई ही रखेंगे। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को तेज आंच पर ही भूनना है, इसे हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, सिर्फ इसे ट्रांसपेरेंट होने तक भूनेंगे। प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटा बाउल मूंगफली के दाने। मूंगफली के दानों को भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। इस वक्त हम गैस की फ्लेम लो कर लेंगे। मूंगफली थोड़ी भुनने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हींग और 1/2 चम्मच हल्दी। सभी मिक्सचर को अच्छे से मिला लेंगे। हल्दी को अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि इसका कच्चापन दूर होना चाहिए। इसमें हम डालेंगे 10 से 15 करी पत्ते के पत्ते, ये एक अच्छा टेस्ट देगा पोहा को। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 3 हरी मिर्च कटी हुई। आपको जितना तीखा चाहिए उतना मिर्च आप ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ 3 हरी मिर्च डाली है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 200 ग्राम पोहा। देखिए पोहा धोने के बाद फूल गया है और छोटा हो गया है। पोहा सब हम इस मिक्सचर में मिलाएंगे। पोहे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी मिक्सचर में। हल्दी का रंग सब तरफ लगना चाहिए। इसमें हम डालेंगे नमक स्वादानुसार। नमक को हम बाद में डालेंगे क्योंकि इसमें पोहे में नमक सब तरफ से लगना चाहिए। हल्दी का रंग पोहा में अच्छे से सब तरफ से लगना चाहिए, इसलिए मिक्सचर को बार बार हिलाते हुए मिक्स करना चाहिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। इस तरह पोहा सब तरफ से पीला हो चुका है, इसका मतलब मिक्सचर अच्छे से तैयार है। इसे हम थोड़ा और पकाएंगे। इसे चलाते रहना चाहिए वरना ये लग सकता है। इसमें हम डालेंगे 1 नींबू का रस। अच्छे से मिला लेंगे। पोहा में नींबू का खट्टापन अच्छा स्वाद देता है। इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर आपको प्रोडक्ट परचेज करना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
अगर आपको डिटेल रेसिपी चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पोहा तैयार है, इसकी प्लेटिंग हम करेंगे। इसको सजाएंगे नींबू के साथ और हरे धनिया पत्तों के साथ, सेव के साथ गार्निश करेंगे। पोहा को आप सुबह के नाश्ते में या शाम के चाय के समय खा सकते हैं। बढ़िया पोहा तैयार है।